आईटी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी मेन चीज होती है कस्टमर केयर सर्विस। जी हाँ, आईटी सेक्टर के अंदर कस्टमर केयर सर्विस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपके पास बहुत सारे ऐसे फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट होंगे जिसको लेकर के कभी ना कभी आपको जो है प्रॉब्लम आ जाती होगी और आप कस्टमर केयर नंबर पर नंबर घुमा देते हैं और वहां से आपका जो सोल्यूशन होता है वो निकल आता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आता है। सो बिल्कुल आईटी सेक्टर के अंदर कस्टमर केयर सर्विस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और कह सकते हैं कि इसके बिना कंपनी पूरी तरीके से अधूरी भी रहती है। पिछले एक दो सेशन के अंदर जो हमारे एस मुफारिस सर आए थे उसमें से एक सेशन के अंदर जो है एस मुफारिस सर ने जिक्र किया था थोड़े से कस्टमर केयर सर्विस के बारे में और उन सारी चीजों के बारे में भी जिक्र किया था कि आने वाले टाइम के अंदर जो हम सब लोगों को अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो इंस्टेंटली जो है किस तरीके से वहां पर आपकी दूर की जा सकती है, क्योंकि कस्टमर तो बहुत सारे आने वाले हैं और कस्टमर को प्रॉब्लम भी आने वाली है और समय समय पर बहुत सारी जो दिक्कतें आती रहती हैं उसके लिए कस्टमर केयर सेंटर का होना, कस्टमर केयर सर्विस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं और एस मुफारिस सर ने कुछ ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ इसकी जो प्लानिंग है वो पूरी तरीके से जो है कर रहे हैं और आने वाले वक्त के अंदर हमारा जो कस्टमर केयर सर्विस होगा वो किस तरीके से वर्क करेगा और किस तरीके से काम करेगा और किस टाइप का होने वाला है इसके बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने जिक्र किया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की मेरी जो वीडियो है वो होने वाली है। सो इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो के अंदर जो है जरूर बने रहिए। बिजनेस को लेकर के है ना बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एस सर पूरी करते जा रहे हैं जो कि उनको पता है कि आने वाले टाइम के अंदर इस चीज की भी जरूरत पड़ने वाली है। वैसे तो अभी हमारे सिस्टम को हमारे सिस्टम में जो है एक टिकट रेज करने का सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है सपोर्ट टीम के लिए, सपोर्ट टीम की तरफ से अगर आपको और हम सबको कोई दिक्कत आती भी है तो हम टिकट लगा करके अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन कस्टमर केयर सर्विस में और टिकट लगाने में बहुत बड़ा एक अंतर हो जाता है, इसलिए वहां पे कस्टमर केयर सर्विस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। दोस्तों मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अपने इस कस्टमर केयर सर्विस को लेकर के कि ये हमारा जो कस्टमर केयर सर्विस सेंटर जो होगा आने वाले टाइम के अंदर ये सबसे बड़ा कस्टमर केयर सर्विस सेंटर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम वर्ल्ड वाइड हैं। क्या है? वर्ल्ड वाइड हैं और यहां पर जब इतना बड़ा एक कस्टमर का ग्रोथ होने वाला है, आई मीन एक ट्रैफिक आने वाला है, कस्टमर की ग्रोथ होने वाली है, कस्टमर की भीड़ आने वाली है, बहुत सारे एक ह्यूज कस्टमर यहां पे आने वाले हैं, तो यहां पे हमारे पास एक से बढ़कर एक जो है एक्सपर्ट भी होने बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्योंकि जितना अगर छोटा सा अगर कस्टमर केयर सेंटर होगा तो हम उसके साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं यहां पर हमारा आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके से कंपनी बिगेस्ट एंड स्टेप बाय स्टेप बूम करती जा रही है, हमें स्टेप बाय स्टेप हर महीने हर साल यहां पे ग्रो करती जा रही है, उसी तरीके से यहां पे स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को किस तरीके से और आसान बनाया जाए, कस्टमर को और किस तरीके से उनकी सॉल्यूशन, उनकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दी जाए, इस बारे में भी विचार चलता रहता है, इस बारे में भी आइडियाज आते रहते हैं। एक्चुअल में अपनी जो कंपनी है आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा हमारी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी के सभी सर्विस देने वाले ही प्रोडक्ट हैं। यानी कि आप हमारे जितने भी प्रोडक्ट होंगे हमारे आईटी सेक्टर के अंदर, आई मीन जितने भी हमारे, चाहे वो ट्रैकर हो चाहे वो कनेक्ट हो, ये हमारे किसी न किसी बिजनेस के अंदर आपको सर्विस देंगे और जब सर्विस देंगे तो आपको कस्टमर केयर सर्विस की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहीं पर ही एक ऐसी चीज यहां पे लोगों को महसूस होने लगती है कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम अगर आती है तो मेरी ये प्रॉब्लम जो है कहां से दूर हो सकती है। और एक असली, एक रियल और एक जेन्युइन कंपनी की सबसे बड़ी पहचान भी होती है कस्टमर केयर सर्विस, क्योंकि वहां पर हर एक प्रॉब्लम का आपको समाधान मिल जाएगा और आपको अगर कोई अपना सजेशन भी देना हो तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। कंपनी में अगर कोई चीज आपको सुधरवानी हो तो आप सुधरवा भी सकते हैं, कोई चीज आपको बतानी हो तो बता भी सकते हैं, या आपको लग रहा है कि कंपनी के अंदर यह गलत हो रहा है तो आप उसको गलत ये भी बता सकते हैं। यानी कि हर एक प्रकार से आप उनको सजेशन भी दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि एसर ने एक बार कहा था कि हमारा जो कस्टमर केयर सर्विस रहेगा, सेंटर रहेगा, वो काफी बड़ा होगा और सबसे बड़ा रहेगा। इसके अलावा उसमें हर प्रकार की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें हर प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा। क्यों होगा? इसके लिए मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल लैंग्वेज वाले देश में रहते हैं और अगर बात करें पूरे
विश्व की अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी कॉल कहीं से भी आ सकती है, तो इसलिए हमारे पास अगर मल्टीपल लैंग्वेज वाली अगर प्रॉब्लम अगर रहेगी तो आपको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो यहाँ पे एक पहली चीज तो ये है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा एक्टिव है, इतना ज्यादा एक्टिव है कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे जो कस्टमर केयर सर्विस सेंटर होंगे बहुत सारे, उसमें हमारा ऑन पैसिव भी हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर ये जरूर पता चल जाएगा। क्योंकि जब हम बात कर रहे होंगे हिंदी में और सामने वाला इंसान समझना चाहता है पंजाबी में, तो पंजाबी में समझ सकता है। अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है और हम समझना चाहते हैं हिंदी में, अगर हम लाइव बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक लैंग्वेज का यानी कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है ना, ये भी यहां पर खत्म हो जाएगी। और वास्तव में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन भी बन चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा जब भी कस्टमर केयर सर्विस सेंटर हमारे सामने आता है और जब कभी भी हम अपने लाइव अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाएंगे अपने कस्टमर केयर सेंटर से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व होगी। जी हाँ, यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि जितने भी हमारे कस्टमर केयर सर्विस होते हैं वहां पर हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो तुरंत की तुरंत यहाँ पे सॉल्व होती है। तो ऑन पैसिव के अंदर भी यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो तुरंत सॉल्व होगी, इंस्टेंट सॉल्व होने वाली है। टिकट लगाने की हमें मुश्किल से ही जरूरत पड़ा करेगी, क्योंकि टिकट लगाने की अगर जरूरत है भी तो हम चाहते हैं कि चलो ठीक है इसका आंसर हमें 2 या 3 दिन के बाद मिल जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर अगर हमें 1 हफ्ते के अंदर भी मिल जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उस कंडीशन में आप टिकट लगा दीजिए। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का तुरंत इंस्टेंट अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप कस्टमर केयर सर्विस पे ही नंबर घुमाएंगे। जी हाँ, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पे जो टिकट लगाने वाली जो एक हमारा सिस्टम है वहां पे जो भी टेक्निकल टीम उनका आंसर देती है कहीं ना कहीं उनको भी एक राहत मिलेगी और यहां से हमारी एक भीड़ कम हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम लाइव ही सॉल्व हो जाए करेंगी हमारी। बिल्कुल, लाइव का मतलब यह है कि आपने इधर फोन घुमाया और आपसे कोई भी एक्सक्यूटिव बात कर रहे हैं और बात करने के दौरान आपने उनकी प्रॉब्लम बताई तो तुरंत ही वो अपने सिस्टम पर बैठ करके आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम का समाधान कर दिया करेंगे कि आपको कहां पर दिक्कत आ रही है, विड्रॉल में दिक्कत आ रही है, पेमेंट में दिक्कत आ रही है, आपका अभी तक प्रोडक्ट परचेज नहीं हुआ है, आपका पेमेंट कट गया है, वगैरह वगैरह बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो आती जाती हैं जैसे कि इस समय हम फेस कर रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पे तुरंत मिलेगा और इससे कंपनी के ऊपर और भी बिलीफ सिस्टम जो है लोगों का बढ़ जाएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था एक चीज कि यहां पे जिन कंपनियों में हमारे कस्टमर केयर सर्विस की जो सुविधाएं होती हैं, जहां पे कस्टमर केयर सर्विस सेंटर होते हैं वहां पर लोगों का ट्रस्ट बहुत तेजी से बिल्ड होता है और वहां पे लोगों को तुरंत समाधान मिलने के बाद तो और भी ट्रस्ट बहुत तेजी से बिल्ड हो जाता है कि चलो ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कहीं पर भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस हमारे कस्टमर केयर सर्विस सेंटर पे आपको फोन लगा देना है। तो आने वाले वक्त के अंदर ऐसा जो है इस टाइप की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और आने वाले वक्त के अंदर हम सब लोगों को एक बेहतर सुविधा एक बेहतर सर्विस यहां से मिलने वाली है। बिकॉज ये एक बिजनेस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ये बिजनेस का एक मेन पार्ट है और इस बिजनेस के बिना हमारा कोई भी बिजनेस हो आईटी सेक्टर के अंदर, चाहे वो फिजिकल का हो चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट का हो, ये बिल्कुल पूरी तरीके से अधूरा रहता है क्योंकि इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। सो आई होप हम इंतजार करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारी जो सर्विस है कस्टमर केयर सर्विस है और इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं और एस मुफारे साहब जिन सारी चीजों की तैयारी में लगे हुए हैं उन सारी की सारी तैयारियां जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएं। और खास तौर से मैं प्रे करता हूं अपना कार्ड प्रोसेसर के बारे में, यानी कि कार्ड प्रोसेसर जो अभी इस समय हमारा सबसे जो मेन जरूरी चीज है ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए क्योंकि यहां पर हमारा बिजनेस पूरी तरीके से रुक गया है। अगर ये कार्ड प्रोसेसर अगर थोड़ा सा एक आगे बढ़ जाता है तो हमारा बिजनेस हम समझ नहीं सकते कि कितनी तेजी से जो है ये आगे की तरफ जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से रुका हुआ है। ओके, आप सब लोग भी जो है अपनी दुआओं में जो है याद रखिए अपने कंपनी के लिए, एस मुफारे साहब के लिए, टेक्निकल स्टाफ के लिए, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी फैमिली को क्रिएट कर रहे हैं जहां से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों का एक बदलना, उनकी लाइफ में चेंजिंग होना पूरी तरीके से निश्चित है, बदलाव आना बहुत पूरी तरीके से निश्चित हो चुका है। सो प्लीज आप सब लोग भी अपने जब भी प्रे करें, नमाज पढ़ें या जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप जो है
अपनी कंपनी को और अपने सारे के सारे सिस्टम को, एस मुफारे सर को, उनकी टीम को आप अपनी जो है प्रार्थना में जरूर याद कीजिए और ऊपर वाले से दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी जो है ये सारी की सारी चीजें सॉल्व हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जो भी अपडेट आ रही हैं खासतौर से हमारे ग्लोबल लीडर्स के माध्यम से उनको आप किसी भी हाल में मिस ना करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सॉलिड टू फिनिट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।